विश्व प्रसिद्ध चार धाम में शुमार गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। आज के दिन गंगोत्री धाम के गंगा पुरोहितों ने कपाट बंद करने की तिथि घोषित की है। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त पर सुबह 12:14 पर बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि हर साल नवरात्रि के दिन गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ गंगा पुरोहित गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और शुभ मुहूर्त तय करते हैं। इस बार गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखी मठ यानी मुखबा के लिए रवाना होगी। गंगोत्री मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष महेश सेमवाल ने इसको लेकर जानकारी दी। गंगा मैया, सबसे पहले आज नवरात्रि के पावन पर सबके देशवासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां गंगा सभी के आशीर्वाद बनाए रखे। शीतकालीन के लिए मां भगवती के गंगे के कपाट 2 नवंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त पर ठीक 12:14 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उसके पश्चात माँ भगवती के गंगे के दर्शन मुखी मठ ग्राम में किए जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से और प्रदेशवासियों से निवेदन करूँगा कि मुखबा में आके माँ भगवती गंगे के दर्शन करें।